प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज 110वां एपिसोड प्रसारित हुआ। मन की बात के इस 110वें एपिसोड की जामिया मिलिया इस्लामिया में लाइव स्ट्रीमिंग की गई, जिसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों सहित छात्र मौजूद थे। इस मौके पर दिल्ली हज कमेटी की चेयरमैन कौसर जहां ने भी जामिया में मन की बात कार्यक्रम सुना और इस पर अब उनका क्या कहना है सुनिए। उन्होंने बात करी नारी शक्ति की और जो अब सीतापुर में रहने वाली जो हमारी ड्रोन दीदी सुनीता देवी जी, उनसे बात करी, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया और फिर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की बात करी कि जो हमारे युवा हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो आगे आएँ, उनके काम की कदर हो, जो अच्छे काम करने वाले हों। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हमारी युवा शक्ति है उनको इनकरेज किया और उनको समझाया कि उनके मत का महत्व क्या है, कि उनका एक वोट इस देश की दिशा और दशा और उनका भविष्य तय कर सकता है। तो ये सारी बातें जो है सुनकर देखिए बहुत अच्छा लगता है और हमें ये एक एहसास होता है कि हमारे पास एक ऐसे लीडर हैं जो मतलब जिनका विजन ऐसा है जो कि इंशाल्लाह विकसित भारत की जो बात होती है वो सपना इंशाल्लाह जल्दी पूरा होगा। महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति की ओर जितने भी काम हुए हैं वो 2014 के बाद हुए हैं। आप तथ्य उठाकर देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में पिछले 8 से 10 वर्षों में जो काम हुए हैं, खासकर हमारी मुसलमान बहनों के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, वो पहले कहाँ हुए हैं? पहले किसी ने ना इस बारे में सोचा और ना किसी में इतनी हिम्मत थी ऐसे ऐतिहासिक फैसले लेने की। जी बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। आप जो 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 सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ जब मिलता है तो ये तो नहीं देखा जाता ना कि वो व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है, वो व्यक्ति भारतीय है तो उसको बिल्कुल उसका लाभ मिलेगा। और आप अगर तथ्य उठा के देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने अल्पसंख्यक, खासकर की महिलाओं ने, हमारी बहनों ने इसे बेनिफिट किया है और इससे वो सशक्त हुई और और खुद को पहले से ज्यादा महफूज महसूस कर रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के मन की बात का आखिरी एपिसोड था। इसके बाद 111वां एपिसोड अब 3 महीने बाद प्रसारित होगा।